फ्रेंड वेलकम बैक टू सिविल गान आप सभी का सिविल सुलगान में स्वागत करते हैं उम्मीद करता हूँ सी लोग अच्छे होंगे आप सभी ने अपना अपना रिज़ल्ट देख ही लिया होगा क्योंकि बहुत देर हुआ रिज़ल्ट आए हुए तो मैं बता देता हूँ जो एस एस सी फेज़ इलेवन का रिज़ल्ट है वो आपका आउट हो चुका है और यहाँ जो हमारे साथ लगभग जो जुड़े हुए हमारे दोस्त हैं वो सब यमिया डिपार्टमेंट को फिल किए होंगे मतलब कि जेई वाले विभाग को और हम यहाँ नाटक डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनके बारे में बात करेंगे पर सबसे पहले ख़ास जो बातें हैं वो हम एन जोन में जो आपने एम डिपार्टमेंट को भरा था उसके लिए बात करेंगे उसकी कटाफ क्या रही थी और जो लोग उसमें सेलेक्टेड हैं अब उनका आगे का प्रोसेस क्या होगा सबसे पहली बात जो लोग का नाम उसमें है एम डिपार्टमेंट में अंदर तो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन अब आगे का प्रोसेस क्या होगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं तो जैसे कि आपने देखा होगा कि ये एस की तरफ से जो आपका पी डी आई उसमें लिखा था कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 27 जून और 28 जून के बीच में आपका टेन प्लस टू लेवल पे तो टेन प्लस टू लेवल पे आपका बहुत सारे एग्जाम हुए थे उसी में एक आपका एन आर रीजन में थ्री वन थ्री टू थ्री था जो कि एम डिपार्टमेंट में था तो यही के जो लोग थे लगभग उसी फॉर्म को भरे थे तो टेन प्लस टू में लगभग जो फार्म पड़ा था चार लाख अट्ठाईस हज़ार सौ चार फार्म पड़ा था ये टोटल फार्म है टेन प्लस टू लेवल पे जितनी वैकेंसी थी सारी वैकेंसी का सभी जोनों में है ये एक इसका नहीं है कि हाँ एन जोन का मतलब ई एम एस करिए सब का मिला करके है उसमें से ये कहा गया कि जो लोग सेलेक्ट हुए हैं टेन प्लस टू में टोटल तो पैंतीस हज़ार आठ सौ इक्यानवे पैंतीस हज़ार पैंतीस हज़ार आठ सौ इक्यानवे लोगों को चुना गया है कितने लोगों को पैंतीस हज़ार आठ सौ ये टेन प्लस टू लेबल पर टोटल लोग हैं मतलब टेन प्लस टू की जितनी वैकेंसी है सबका यहाँ पे चुना गया है तो ये वैकेंसी का तीस गुना होगा तो अब जितनी जैसे वैकेंसी है तो अब यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो दिखा रखा है कि पैंतीस हज़ार सौ इक्यानबे ई डब्ल्यू एस के कितने लोग हैं एस सी के कितने लोग हैं एस टी कितने लोग हैं ओ बी एस सी कितने हैं यू आर कितने ई एस एम ओ एच ई एच एच और वी एच के और पी डब्ल्यू डी अदर में तो ये इतने लोग का चुनाव हुआ है इन सभी का अब डी भी होना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है तो अब आगे का प्रोसेस क्या होगा तो इसमें अब जो टेन प्लस टू वाले में मैं स्पेशल यहाँ पे एन आर थ्री वन थ्री की बात कर रहा हूँ पर अब जितने भी लोग इसमें होंगे इसमें अब टेन प्लस टू जो भी डिपार्टमेंट रहा होगा एन आर का एस आर का सी आर का ई ER आर का जो भी रहा होगा सभी लोग इसमें इंक्लूडेड हैं पैंतीस हज़ार आठ सौ इक्यानवे में और इसी पैंतीस हज़ार आठ सौ इक्यानवे में जो एन आर थ्री वन थ्री टू थ्री वाले हैं ये भी इसी में हैं तो अब उनकी आगे प्रोसेस क्या होगा तो मैं अब उसी में से आगे इसकी पूरी पी डी एफ दे रखी है इस पी डी एफ में सबका अलग अलग दे रखा है तो मैं वहाँ से केवल एन आर थ्री वन थ्री टू थ्री का लेकर आया हूँ बाकी जो भी अलग अगर आप अलग जोन से भरे हुए तो आप उसको देख सकते हैं कि आप बस उसमें उसमें देखना क्या है हालांकि यहाँ पे जो मेरे पास कैंडिडेट हैं वो सब एम में ज़्यादा हैं तो इसलिए मैं एम के बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ बाकी आप लोगों को क्या करना है कि आप पी में देख सकते हो तो एन आर में एस सी की जो ऑफ गई है वो सत्तर गई है ठीक है और इसमें टोटल कैंडिडेट चुने गए हैं वो आठ लोगों को चुना हुआ है ई एस में तो सत्तर गई है एस कितनी गई है चौंसठ कटाप गई है एस सी की चौंसठ कटाप गई है और ओ की जो कटाव गई वो सतहत्तर गई है सेवेंटी सेवन कटाव गई है और ओ में पंद्रह सौ नब्बे लोगों का चुनाव हुआ है और एस में चार सौ पैंतीस लोगों का चुनाव हुआ है ठीक है अब उसके बाद ई की अगर बात करें तो यहाँ पर चार लोगों का चुनाव हुआ है और यहाँ पर जो टोटल कटाव गई है ई की पचास गई है यू आर की कटाव सबसे ज़्यादा गई है यहाँ पर इक्यानवे कटाफ गई है यू की और यू से ही तेईस सत्तर लोगों का चुनाव हुआ है ओ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ फिफ्टी नाइन कटाफ गई है और फोर्टी वन पॉइंट सिक्स वन सेवन इसकी कटाप गई ओ एच की एच एच की कितनी कटाप गई तो ये आपकी ऑफ है और ये आपके कैंडिडेट कितने यहाँ पे चुने गए हैं लिए गए हैं फाय डिव्यू के लिए वो आपको दे रखा है तो मैंने यहाँ पे हायर सेकेंडरी की एन के बारे में बताई है ऐसे ही आप टेन प्लस टू लेवल में जितने फी भरे होंगे अलग जोन से उन सब की भी अलग अलग कटाप हुई होगी आप उस कटाप को क्वालीफाइड होगे तो आपका नाम इस लिस्ट में होगा जो लिस्ट आई है पूरी उस लिस्ट में आपका नाम अगर आप ढूंढ भी रहे होंगे तो अपना टेन प्लस टू में देखो तीन लिस्ट होगी एक टेन प्लस की है एक मेट्रिकुलेशन लेवल की है एक आपके ग्रेजुएसन लेवल की है तीन था तो तीनों की अलग अलग है तो आप अपना घबराया नहीं अगर आप मान लो इसमें सर्च कर रहे हो पर आपने भरा इसमें तो आपका नाम इसमें नहीं है तो घबराए नहीं आप इसमें सर्च कर लीजिए आपने ग्रेजुएशन लेवल से भरा था आप ढूंढ रहे इन दोनों में तो आप यहाँ ढूंढ लीजिए तो आपको देख लेना है कि कौन कौन सी में आप किस में भरे हों उसके साथ आप चेक कर सकते हैं कि आपका नाम है या नहीं है अगर आपका नाम इस लिस्ट में आता है आपका टाप क्वालिफाई करते हैं तो आपका आगे का जो प्रोसेस होगा वो होगा डिपार्टमेंट डीबी प्रोसेस का होगा अब डीबी के बारे में इसने कह रखा है ये जो सारी बातें लिख रखी हैं पहली बातें यहाँ तक जो इसने लिख रखा है वो कह रखा है कि 6 अक्टूबर के पहले पहले तक आपका जो डाक्यूमेंट होना चाहिए वो आपके जो भी आप जो रीजन से आप भरे उस रीजन में पहुँच जाना चाहिए ठीक है तो ये जो बातें लिख रखी है क्या क्या होना चाहिए तो सारा डॉक्यूमेंट आपके पास जैसे कि अगर हम बात करें आ, कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मान लो कोई आपकी कोई ऐसे पोस्ट थी जहाँ पर एक्सपीरियंस कैटेगरी आपका मांगा हो तो वो पढ़ना पड़ेगा आपके पास हाई स्कूल इंटर ये सब मार्कशीट वगैरह सारा लगा करके आपको सेल्फ अटेस्ट करके उसको भेजना है स्पीड पोस्ट के माध्यम से छः अक्टूबर के पहले पहले और कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर देख लीजिए ये मैंने इसको ट्रांसलेट करके इस तरीके लिख रखा है लिखा जिन उम्मीदवारों को अनलग्नक एक के अंतर्गत जाँच के अगले चरण के लिए शार्ट लिस्टेड किया गया है और उन्हें शैक्षिक योग्यता अनुभव श्रेणी आयु में छूट आदि के संबंध में सभी सहायक दस्तावेजों को एक प्रति जमा करनी होगी जैसा लागू हो हार्ड कॉपी अपनी ऑनलाइन आवेदन प्रिंट साथ के साथ साथ संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को जिसमें पोस्ट श्रेणी शामिल है 6 अक्टूबर दो तक केवल स्पीड पोस्ट द्वारा भेजें मतलब छः अक्टूबर तक पहले पहले, पहले आपको भेज देना स्पीड द्वारा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दस्तावेज भेजते समय लिफाफे के शीर्ष के ऊपर जो आपका लिफाफा होगा उसके शीर्ष पर स्नातक और सबसे ऊपर के अस्तर और पोस्ट रेड संख्या मतलब से आप अगर एन में है तो एन आर थ्री वन थ्री टू थ्री अगर एस में है तो आप उसको भरना हो, होगा तो ये काम आपको करना होगा और यहाँ पे तीन बातें लिख रखी हैं एक बात ये है एक बात ये रखी है पहली बात कह रहा है कि अगर आप में जैसे कि एन आपने लगातार जैसे लो तीन जोन में भरा है तीन रीजन में आपने भर दिया जैसे एन में पच्चीस छः सौ पोस्ट में ई में भर दिया वेस्टर्न रीजन भर दिया है वो आप सभी में क्वालिफाइड हैं सभी मतलब आपका जो है नाम आया है तो आपको करना क्या होगा अगर आप सभी में आप क्वालिफाइड होंगे तो आप करना क्या होगा कि आपको अलग अलग रीजन में जैसे एन का ई का वेस्टर्न रीजन का तो आपको अलग अलग रीजन में अपनी पोस्ट ये जो होगी पोस्ट कोड और अलग अलग भेजना होगा जैसे लिखा हुआ है ना कि रिकमेंड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट सभी के अलग अलग भेजना पड़ेगा ऐसा नहीं कि आप एक रीजन भेजना नहीं आपको एन आर भेजना पड़ेगा ई भेजना पड़ेगा और डब्ल्यू भेजना पड़ेगा दूसरी बात क्या कर, कह रहा है कि अगर मान लो एक ही रीजन में अलग अलग पोस्ट जैसे एन आर टू नाइन थ्री टू थ्री के लिए भरा है और एन आर टू नाइन फोर टू थ्री के लिए भरा है मतलब एक ही रीजन में दो को भरा है तब भी आपको जो है तब आपको एक ही रीजन को एन को ही भेजना पड़ेगा पर उसके दो सेट बना के भेजने पड़ेंगे ये बात यहाँ पे लिख रखी है आप इसको पढ़ लीजिएगा कैसे आपको भेजना है मैंने बता दिया और सारी एनएक्सेसर टू आप जब देखोगे उसमें आपको एड्रेस दे रखा है हर रीजनल ऑफिस का जो तो पूरी पी है ना इसी पी के नीचे जाओगे उसमें एनएक्सेसर में दे रखा है कि हाँ आपको किस तरीके से जो है आपको भेजना है कहाँ पर क्या करके भेजना है ये बातें वहाँ पर दे रखी हैं और ये हैं जो मेट्रिकुलेशन लेवल के लोग हैं इसमें जैसे पाँच लाख बयासी हज़ार दो सौ साठ फार्म पड़े थे तो इसमें चुने गए हैं तीस हज़ार सौ चौवन लोग तो तीस हज़ार चार चौवन लोग का इसमें डी के लिए बुलाया गया है तो ये उन, उनकी बातें हैं और यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल की है आगे जो है ग्रेजुएशन लेवल की ग्रेजुएशन लेवल में लगभग तीन लाख सत्तानवे हज़ार फार्म पड़ा था इसमें से जो बुलाए गए हैं इकतीस हज़ार लोग इसमें भी बुलाए गए हैं तो ये सब डी के लिए बुलाए गए हैं जिनका भी डी होना है तो उनको क्या करना है भैया अपनी पोस्ट कॉपी पोस्ट ऑफिस से भेज देना है सारी बातें हमने आपको बता दी है किस तरीके से कोई करना अगर कुछ आपको समझ नहीं आ रहा तो आप आफ, फ्रेंड कवर करके मुझसे बात कर सकते हैं मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए थैंक यू जहन जहरा लव्य